गुड मॉर्निंग एवरी आज तुम्हारी जो क्लास है वो हमारे नन अदर देन राहुल जैन सर की है आई हैव जस्ट कम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू टू हिम हिम टू यू सो राहुल सर की अगर मैं बात करूं बच्चे तो ही इज द मास्टर ब्लास्टर टीचर ऑफ अकाउंट्स एंड कॉस्ट जब तुम उनसे अकाउंट्स पढ़ोगे वो इतने कॉन्सेप्ट से हर चीज को उठा के पढ़ाते हैं हिज वे ऑफ गिविंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ज सो यूनिक तुम्हें उनकी क्लास में यही नहीं पता चलेगा कि कब तीन घंटे हो गए कि चार घंटे हो गए एंड तुम डूब के पूरे को अंदर उतारोगे. So, का जो सब्जेक्ट है सी ए इंटर में इट इज वेरी वास्ट पहले ग्रुप वन और ग्रुप टू दो हुआ करते थे अब दोनों को कंबाइन करके एक कर दिया है उसका नाम रख दिया है एडवांस अकाउंटिंग नाम में ही लिखा है एडवांस्ड अकाउंटिंग तो इट इज रियली एडवांस्ड और ये तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल ऑफ पढ़ाई पे पहुंचाएगा राहुल सर के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूं तो वो मेरा कम होगा राहुल सर और धर्मेंद्र सर मिल अकाउंट्स का पोर्शन शेयर करते हैं जिसमें कि मेजर पोर्शन अकाउंट्स का धर्म, अपने राहुल सर के पास है ऑल्सो मेरे बच्चे दोनों ने हर अटेम्प्ट में चाहे पेपर टफ आया हो चाहे पेपर इजी आया हो इतने एग्जामेशन्स दिए हैं कि उनके एग्जामेशन की लिस्ट अगर हम बनाएं, तो लिस्ट आती नहीं है एक स्लाइड में देर आर सो मेनी चिल्ड्रेन हु बेनिफिटेड थ्रू देयर स्टडीज जबकि अटेम्प्ट भी आए हैं तब भी ही इज योर टीचर फॉर कॉस्टिंग ऑल्सो तो राहुल सर से जब तुम अकाउंट्स और कॉस्टिंग पढ़ोगे तो दोनों में ही जानदार धुआंधार तरीके से तुम पढ़ोगे अभी तक तो तुम्हारे सब्जेक्ट्स फाउंडेशन में लिमिटेड लेवल के हुआ करते थे बट अब जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत गहरा उतरना पड़ता है तो अपने ए में जो इतनी बड़ी प्रोफाइल है टीचर्स की नाइन ऑफ आस्ट टीचिंग द सी ए इंटर सिक्स सब्जेक्ट्स उसका रीजन ही ये है कि एक एक सब्जेक्ट इतनी गहराई मांगता है कि टीचर को पूरा डूब के उस सब्जेक्ट में उतर के पढ़ाना पड़ता है ऑल्सो बिकॉज सर इज अ प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट तो जो रियल लाइफ में फैक्ट्री में उन पॉइंट को इम्प्लीमेंट करता है उस व्यक्ति की बात ही अलग है धर्मेंद्रो इज अ प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट एंड राहुल जैन सर ऑल्सो इज अ प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट तो दोनों की जो एनर्जी लेवल है साथ में कंबाइंड है उनका एक्सपीरियंस जो दिन बर दिन बढ़ता जाता है ग्राउंड लेवल पर जब आप उस सब्जेक्ट को अप्लाई करते हो तो उसकी बात ही अलग होती है जब तुम राहुल सर से पढ़ोगे तब तुम इस बात को फील करोगे कि जिस तरह से वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को लेके जाते हैं तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम डूब गए हो क्लास में सो यू है गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम ऑफ स्टडी विद हिम ऑल्सो एज यू नो हम हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक का टेस्ट लेते हैं तो ये जो टेस्ट होते हैं सारे टीचर्स अपनी गाइडेंस पे बनवाते हैं यू वॉन्ट बिलीव इट कि इस बार जो अकाउंट्स का पेपर था उसमें से कई पेपर अपने जो रूटीन टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें से निकल के आते हैं also, ये जो पेपर्स के अलावा सभी टीचर्स ने बच्चे इस बार अपनी समरी नोट्स बनवाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट्स तुम्हें मिलने वाले हैं कि तुम्हें अकाउंट्स में भी मजा आ जाएगा सो हियज विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अकाउंट्स पेपर मैं तो तुमसे ये कहूंगी कि जैसे मैं फाउंडेशन में कहा करती थी कि अकाउंट्स तुम्हारा हंड्रेड मार्कर पेपर होना चाहिए जब इतने शानदार टीचर्स से तुम पढ़ रहे हो तो वाई नॉट टू तो ट्राई लेवल बेस्ट कि तुम हंड्रेड मार्क्स टारगेट करो एग्जामेशन तो मिनिमम है इतना तो मैं गुरु दक्षिणा में तुमसे मांगूंगी कि तो मुझको चाहिए ही चाहिए तो इसलिए अकाउंट्स में डे वन से पूरे दिल से पढ़ना और आज का ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन है तुम्हारा राहुल सर के साथ आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट टू द बेस्ट ओके तो जस्ट गिव मी टू मिनट्स टाइम आई वॉन्ट बी टीचिंग यू लॉ टूडे आज मैं तुम्हें राहुल सर के पास छोड़ रही हूँ सी ए राहुल जैन आप लोग को आ, दिख रहा होगा तो अलग से मैं क्या ही बोलू तो अपन लोग सीधे टॉपिक की तरफ आते हैं बिकॉज अभी आप, आप सामने नहीं हो मेरे तो अभी आप ऑनलाइन हो तो मैं आपको सीधे टॉपिक पर लेकर जाता हूँ कि आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं क्या समझने वाले हैं क्या मेरा पूरा सब्जेक्ट है क्या क्या मैं आपको उस सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ तो वो मैं सारा का सारा कवर अभी करूँगा पहले पाँच मिनट में आपको फटाफट सब्जेक्ट का इन्फो दूंगा क्योंकि जिससे अपन को अगले दस महीने आठ महीने पढ़ना है उसके बारे में पूरा पूरा नॉलेज होना उसके बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिसके साथ ज़िंदगी जीना है उसके बारे में पता तो करना पड़ेगा ना भाई तो लेट स्टार्ट सबसे पहले शुरू करेंगे अपन दो सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली डेढ़ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट कॉस्टिंग जो हंड्रेड मार्क्स का है सेकंड ग्रुप का फर्स्ट सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में सौ नंबर में आएगा वो पूरा सौ मार्क का सब्जेक्ट मैं आपके साथ में डील करने वाला हूं और दूसरा अकाउंट्स तो अकाउंट्स का हाफ पोर्शन जो है फिफ्टी मार्क्स का पोर्शन में आपके साथ में डील करने वाला हूँ सबसे पहले आपको ये दोनों सब्जेक्ट डेढ़ सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बता दूं ये सब जो लिखा है तो छोड़ो सब ऐसे ही है मेरे को कुछ नहीं आता ज्यादा ये सब पे मत जाना मेरे को कुछ ज्यादा आता आता नहीं है मैं तो बस समझ रहे हो मैं तो ये सोच के पढ़ा देता हूँ कि तुम्हें भी कौन सा आता है तो ठीक है मजाक कर रहा हूँ सालों आता है मुझे तो आगे बढ़ रहा हूं मैं भाई ये एडवांस अकाउंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो एडवांस अकाउंट्स में पेपर वन जो आपका सबसे फर्स्ट पेपर होगा सत्तर मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं तीस मार्क के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के एबीसी क्वेश्चन जो होते हैं एबीसीडी चार ऑप्शन आपके पास में रहेंगे चार में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा लेकिन लाइफ लाइन आपके पास एक भी नहीं रहेगी सारी लाइफ लाइन आपको यहीं पर यूज करनी पड़ेगी वहां एग्जाम में जाकर आपको खुद ही परफॉर्म करना पड़ेगा उधर कोई लाइफ लाइन मिलने वाला नहीं है पर अपन यहां पर अपनी लाइफ लाइन इतनी स्ट्रांग कर लेंगे कि वहां हमें किसी लाइफ लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा ये सत्तर मार्क का जो सब्जेक्टिव रहेगा इसमें तो आपको अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन आएंगे जो सॉल्व करने पड़ेंगे जैसे आप नॉर्मली इलेवेंथ में ट्वेल्थ में सी फाउंडेशन में भी अकाउंट्स के आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे वो आपको अभी भी सॉल्व करने हैं अब मेरा पोर्शन कौन सा है जो मैं आपको डील करने वाला हूं तो भाई आप लोगों को मालूम होना चाहिए आप लोगों को कैसे मालूम होगा आप लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए पर अब मालूम चल जाएगा आईसीआई ने क्या करा है कि आपके सारे के सारे जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है इंटर का वो सब्जेक्ट को बहुत थॉरली रिवाइज किया है जब से नया वाला स्कीम लेके वो दो आए दो अटेम्प्ट आई थिंक पहले से तो नया वाला स्कीम वो जब से लेके आए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे सब्जेक्ट को थॉरली चेंज किया है सारे के सारे सब्जेक्ट में चेंज मतलब बहुत सारा रिवाइज कर दिया और पूरा का पूरा उसे ए एस बेस्ड कर दिया आपका पूरा कोर्स तो आपको ए एस वन से लेकर ए एस ट्वेंटी नाइन जो उन्तीस ए एस है वो सारे के सारे आपके कोर्स में उन्होंने रख दिए अब उन उन्तीस ए एस के साथ में कुछ चैप्टर्स भी उन्होंने अलग से रखे हैं जैसे ब्रांच है हायर परचेज है कंसोलिडेशन uh, तो ए एस में एक बाय बैक है तो इस तरीके के कुछ चैप्टर्स अदर देन ए एस भी उन्होंने रखे हैं पर मेनली अगर आप देखोगे तो 90% परसेंट अकाउंट जो है वो ए एस में ही कवर हो जाएगा अब कौन कौन से ए एस है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं तो यहां से ऐसे देखो फोर लाइन से देखना तो फोर फाइव देन उसके बाद थर्टीन फोर्टीन देन ट्वेंटी देन ट्वेंटी वन देन ट्वेंटी थ्री देन ट्वेंटी सेवन देन ट्वेंटी नाइन तो अगर आप काउंट करोगे तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ तो मैं आपको ए पढ़ाने वाला हूं और उसके अलावा मैं आपको बायबैक और अमालगमेशन दो दो ये टॉपिक्स चैप्टर्स भी हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला बेसिकली ये 14 ही अमालगमेशन के साथ में कवर होता है तो टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे तो दस टॉपिक हैं जो ग्यारह लिखे हुए हैं वो दस हो जाएंगे क्योंकि ये ए एस फोर्टीन अमालगमेशन ही है आप देख सकते हैं तो दस टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा ये दस टॉपिक्स अकाउंट्स में हम पचास मार्क्स के लिए जाएंगे और आप फीडबैक ले सकते हो मेरा अगर आपके सीनियर्स हो कोई हो तो वो आपको बता देंगे ये चीज कि जो भी सर क्लास में पढ़ाएंगे बस सर की बात सुनते जाइए कवर हो जाएगा वो तो आपको एक ही फीडबैक देंगे तो सर बोल रहे हैं वो चुपचाप करते जाइए तेरे को इस सब्जेक्ट में कोई टेंशन आने वाली नहीं है टिल दी एंड तेरे को कोई इस सब्जेक्ट में कोई टेंशन नहीं आएगी इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और सब्जेक्ट में आएगी सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूँ कि कोई मेरी बात का दूसरा मीनिंग ना निकाले क्योंकि मीनिंग तो हर बात के कई निकाले जा सकते हैं तो मैं अभी सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा नहीं तो वो वैसी कहानी हो जाती है लोग क्या है डबल मीनिंग निकालने लगते हैं एक एक लड़का था वो एक बंदी को बहुत प्यार करता था अब भाई साहब वो एक दिन इमोशनल हो गया अपने दोस्त के सामने वो बोलता है कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं ऐसे किसी की नहीं होन दूंगा तो वो दोस्त तुम्हारे जैसा होएगा तो वो दोस्त बोलते हैं भाई मतलब तेरी हो गई तो फिर सबकी हों देगा क्या तो भाई साहब मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी की नहीं हों दूंगा मीन्स मेरी होगी तो फिर सबकी हों दूंगा तो लाइक वाइज इफ आई एम दैट मेरे सब्जेक्ट में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी टिल दी एंड इट डजेंट मीन कि बाकी सब्जेक्ट्स में आएगी इट मीन मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की एक्सक्लूसिवली बात कर रहा हूं आपसे आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ अब क्या है यार अकेले स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा ना आप लोगों के साथ में जब सामने बैठ के पढ़ोगे तो और अलग मजा आएगा कोशिश करूंगा कि आपको भरपूर आनंद दे सकूं ये तो हो गया मेरा अकाउंट्स का सिलेबस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अगले तीन महीने जितने भी महीने की जो क्लासेस का शेड्यूल है उसके हिसाब से और दूसरा जो है हमारा टारगेट वो हमारा कॉस्ट का टारगेट है अच्छा ये आपको एग्जामेशन जो लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामेशन आई थी अकाउंट्स में यू कैन सी द लिस्ट ऑल्सो नेम वाइज लिस्ट अवेलेबल है किसकी आई थी कितने ये एक, भाई ये पास नहीं हुए थे ये एग्जाम्शन आई थी सिक्सटी प्लस मार्क्स ये एग्जामेशन की लिस्ट है सिर्फ पास इससे ज्यादा हुए थे दूसरा जो सब्जेक्ट मैं आपको डील करने वाला हूँ जो उसमें लोगों को बड़ा पसीने छूटते हैं लेकिन अपने बच्चे एकदम खुश रहते हैं आप इसका भी अपने सीनियर्स से फीडबैक ले सकते हो वो आपको वापस इसमें एक बात और बोलेंगी कि भाई एक ही काम करियो कि जो राहुल भाई बोले वो सुन लेने का और उनकी क्लास आ जाने का और क्लास मिस मत करने का तो कॉस्टिंग में तुम्हारी मास्टरी पक्की है तुम्हारे को कॉस्टिंग में किसी का बाप फेल नहीं कर पाएगा लाइक वाइज इन अकाउंट्स दोनों की बात कर रहा हूं ऐसे इसका मतलब नहीं है कि अकाउंट्स में किसी का बाप फेल कर पाएगा मैं फिर बोल रहा हूँ मेरी बात के दो मीनिंग नहीं निकालने का एक ही मीनिंग निकाल लेगा तो मैंने बोला कॉस्ट में तुम्हें किसी का बाप फेल नहीं कर सकता इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अकाउंट्स में कर सकता है अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं दोनों सब्जेक्ट में किसी का बाप फेल नहीं कर सकता और इसका ही मतलब बिल्कुल नहीं है कि तीसरे किसी सब्जेक्ट में कर सकता है उसमें उसकी फैकल्टी बात करेगी उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा सो so, आप लोगों को मेरी आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कितने लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है ओके okay. सो so, ये तो हो गया सब्जेक्ट की बात कॉस्टिंग में अगर तुम देखोगे टोटल तो पंद्रह टॉपिक्स हैं अभी तुम नाम सुनोगे तो तुम ऐसे लगेगा क्या है ये मटेरियल एम्प्लॉय तो भी सुना है ओवरहेड एक्टिविटी कॉस्ट शीट यूनिट बैच जॉब प्रोसेस ज्वाइंट प्रोडक्ट सर्विस कॉस्टिंग स्टैंडर्ड मार्जिनली कितने गंदे गंदे से नाम क्यों हैं सर ये सब अब ये सब तुम्हें आता नहीं इसलिए तुमको ये सब गंदा लग रहा है द मोमेंट तुम्हारे को ये सब पता चल जाएंगे तुम्हारे को सब अच्छा लगना शुरू हो जाएगा तुम्हारा कॉस्टिंग विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट फॉर फॉर श्योर क्योंकि इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि तुम्हें मजा आ जाएगा अब कॉस्टिंग में ये लिस्ट ऑफ एग्जाम्शंस वगैरह हैं बेटा कितने एग्जामेशन्स आए हैं ये सब्जेक्ट बच्चों को बहुत टफ लगता है लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेंथ है आप पता कर सकते हो अपने सीनियर से बच्चों के लिए स्ट्रेंथ ये सब्जेक्ट प्रूव होता है एट द एंड कि यार इस इस सब्जेक्ट से मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस सब्जेक्ट से ग्रुप भी क्लियर कर सकता हूँ उनको ऐसा फील होने लगता है वो तुमको भी फील होने लगेगा तो चलो ये तो हो गई जो मेरे को शुरू में आपको समझाना था कि दो सब्जेक्ट कौन से हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अब क्योंकि अभी हमें शुरू करना है अकाउंट से आज मैं अकाउंट से शुरू करा रहा हूँ तो अकाउंट्स में मैंने शुरू करना सोचा है ए एस फोर मैंने सोचा है कि मैं ए एस फोर से शुरू करूँ कहानी, तो ए एस डेट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम बात शुरू करने जा रहे हैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपको पढ़ने हैं फ्रॉम ए एस वन टू ए एस ट्वेंटी नाइन जब आप पढ़ लोगे तो आपका जो सारा का सारा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा अब ये ए एस फोर में हमको क्या पढ़ना है साहब ए एस फोर में क्या है ये ए एस फोर तो मैं एक और बात तुम्हें क्लियर कर दूँ इससे पहले कि मैं ए एस फोर पढ़ाना शुरू करूँ हम किस पैटर्न में बढ़ते हैं आप ये देख लो सबसे पहले ये ए एस फोर के पूरे नोट्स हैं आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे ए एस के नोट्स हैं नोट्स इस पैटर्न पे बनाए गए हैं कि उससे आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ आएं आपको चीज़ें रिटेन करने में बहुत आसानी रहेगी जितने ए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको ऑन टिप्स याद करा दूंगा आप उसके बाद वो ए आंख बंद करके बोलोगे आप भी और मैं भी अच्छा मैं जितने दावे कर रहा हूँ वो सारे पता कर लेना लिखते जाना कि सर ने ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला फिर बाद में देखना कि सर ने जो जो बोला वो सर ने गलत तो नहीं बोला आप चेक करा लेना ये चीज़ है ना प्रीवियस बैच से उसके प्रीवियस बैच से कभी से भी चेक करा लेना तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ तो ये तो पहली चीज़ हो गई कि ए एस फोर के हो गए डिटेल्ड नोट्स फिर दूसरा इसमें मैं आपको दूंगा ए एस फोर की समरी भी डिटेल्ड नोट्स बहुत बड़े हैं समरी दो पेज की बस खत्म छोटी सी एक पूरी समरी भी आपको मिलेगी आप ये देख सकते हैं पूरा ए एस जो आप वहां डिटेल में पढ़ोगे ये उसकी समरी है ये दूसरी चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो दो चीज़ें आपको हो गई एक ही टॉपिक से रिलेटेड उसके डिटेल नोट्स दूसरा उसका समरी तीसरे उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे ये भी मैं सारे के सारे कवर करूंगा सारे के सारे हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे मैं आपको ये भी क्लियर कर दू तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए मतलब ये सारे क्वेश्चन कर डाला तो लाइव झिंगा डाला पेपर में इससे बाहर कुछ आने का नहीं है 99.99 नाइन .99 पॉइंट जो पेपर होता है वो पूरा जो पढ़ाया उससे ही आता है तो सर व्हाट अबाउट दैट पॉइंट जीरो वन परसेंट तो बेटा उसके लिए तो जब कोलगेट का एड भी आता है ना और वो काय का एड आता है क्या बोलते हैं वो टॉयलेट्स क्लीनर वाला कौन सा आता है वो तो उसका भी ऐड आता है तो उसमें आखिरी में एक कीटाणु तो वो छोड़ ही देते हैं वो भी बोलते हैं नाइन्टी जो है ये प्योर है तो बेटा इतना कीटाणु मुझे भी छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ जो मुझे सब कुछ मालूम हो सकता है पेपर में पॉइंट जीरो वन परसेंट चांस है कि कुछ बाहर से आए जो आज तक होता नहीं है इफ़ आई एम सेइंग नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट आई मीन टू से हंड्रेड परसेंट हाँ बहुत बढ़िया बेटा हार्पिक तुम्हें अच्छे से याद है लेकिन तुमको सब्जेक्ट की कोई वो नहीं है हार्पिक फट से याद आ गया सर क्या करें हमारा आगे बढ़ते तो ये ये हो गया इसके अलावा अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया मैंने आपको बोला है कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ तो सबसे पहले तो अपन डिटेल्ड स्टडी होती है फर्स्ट है डिटेल्ड स्टडी ऑफ टॉपिक उसके बाद उसके एक समरी नोट्स होते हैं ये दूसरी चीज है उसके बाद हम जो मॉड्यूल आईसीआई ने इशू कर रखे हैं उस मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है हम वो सारे के सारे सॉल्व करते हैं ये तीसरी चीज है मैं पैटर्न बता रहा हूं कि हम कितना इनडेप्थ जाके पढ़ रहे हैं वाई आई एम सो मच कॉन्फिडेंट कि भाई साहब पेपर में कुछ बाहर से नहीं आता अगर तुम मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो कुछ भी तुम्हारा छूटने वाला नहीं है जो भी तुम पढ़ोगे वो सारा तुम्हें पेपर में देखने को मिल जाएगा कोई बड़े बड़े जब दावे करे तो उसके दावों का बेस चेक करना चाहिए कि जो वो बोल रहा है वो फैक्चुअल है कि नहीं है हवा में तो नहीं बोल रहा है ऐसी बस उड़ी में दिए जा रहा है तो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं कि वाई आई एम सीइंग दिस हम क्या क्या करने वाले हैं तो पहली चीज मैंने बोली आपको पूरा डिटेल टॉपिक सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद उसके समरी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे भी भी और उसके नोट्स भी डिटेल वाले जो मैंने अभी आपको दिखाए फिर उसके बाद उस टॉपिक के समरी नोट्स भी आपके पास में रहेंगे जो वन पेजर नोट्स होते हैं जिससे आप फास्ट मोड में उस टॉपिक को कभी भी रिवाइज कर सको तीसरा फिर जो हमारे आईसीए ने मॉड्यूल इशू किए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने उस मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन जितने इलस्ट्रेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड वो हम सारे के सारे सॉल्व करते हैं चौथा इसके बाद जो मैंने अभी आपको एमसीक्यूज़ वाला पूरा का पूरा दिखाया था ये वाला बुकलेट क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यूज़, इसमें सारे जितने पिछले दस बारह पंद्रह साल में एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारे हैं तो इससे बाहर भी कुछ नहीं आना तो चौथा हम पूरा का पूरा आर टी पी एम टी पी जिसे हम बोल सकते हैं आरटीपी एमटीपी एंड क्वेश्चन बैंक की हम चौथा हम ये भी पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं और पांचवा इस सब के बाद मैं एक और चीज आपको देता हूं वो भी आप देख लेना आपको सीनियर्स से भी मिलेगी वो चीज जो मैं बोल रहा हूं एक चीज और आपको देता हूं वो मैं आपको देता हूं समरी वीडियो मतलब जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं जितने सपोज कोई टॉपिक मैंने पंद्रह दिन पढ़ाया पंद्रह घंटे का टॉपिक उसका मुश्किल से पांच सात मिनट का एक समरी वीडियो बनाता हूं मैं क्लास में ही बनाता हूं आप ही के सामने पूरा टॉपिक ऐसे ही बोल देता हूं पूरा समरी तो लास्ट मोमेंट पे अगर तुम में से कोई वो टॉपिक भूल जाए कुछ हो जाए कुछ नहीं करने का मोबाइल निकालने का ईयरफोन लगाने का पांच मिनट में पूरा टॉपिक तुम्हारा वापस से तुम्हें एज इट इज रिवाइज हो जाएगा कि सर ने क्या पढ़ाया था सो इट इज क्वाइट सिंपल बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बोली है कि बहुत बड़ी बड़ी कोई बातें मैंने इसलिए नहीं बोल दी हवा में कि बस बोल दी है ये मेरा उसके पीछे बेस है बेटा इतना मैं आपको कवर कराने वाला हूँ चलिए अभी मैंने बातें बहुत सारी कर ली लेट स्टार्ट विथ दॉपिक ए एस फोर मैं ए एस फोर से ही आपको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ ताकि आज हम कुछ पढ़ के ही जाए हो गया फोर नाउ सी सो इफ़ यू कैन सी ए एस फोर का नाम क्या है बेटा अब हम ए एस से शुरू कर रहे हैं तो वॉट इज द नेम ऑफ ए एस फोर एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम सर 29 नाइन वन से लेकर 29 तक ए एस पढ़ने वाले हैं फ्रॉम ए एस वन टू ए एस ट्वेंटी बीच में कुछ ए एस हैं जो हटा दिए गए हैं वो आपको टाइम टाइम पे बता दिए जाएंगे अब बात होती है कि ये ए एस में हमें क्या पढ़ना है सर इसका नाम ध्यान से पढ़ो बच्चों क्या नाम है इसका कॉन्टेंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कॉन्टेंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पहले आई विल टॉक अबाउट दिस पोर्शन इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट चलिए सब लोग जरा फोकस करेंगे जरा ध्यान देंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको हमारा ए एस फोर शुरू हम करने जा रहे हैं जो हम शुरू कर रहे हैं कॉन्टेजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वी विल डील विथ दिस इन सेकेंड हाफ ऑफ आर टॉपिक वी विल डील विथ दिस इन फर्स्ट ऑफ आर टॉपिक मतलब हम पहले ये समझेंगे कि ये क्या है फिर हम इसको समझेंगे कि ये क्या है अब सबसे पहले बात करते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ये इसका मतलब क्या है चलो इसका मतलब समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ अब हमारा एक्चुअल स्टडी शुरू हो रहा है बच्चों अब जाके फाइनली हमारा एक्चुअल स्टडी शुरू हो रहा है तो मैं एक छोटी सी स्टडी आपको सुना रहा हूँ अब छोटी सी एक स्टोरी सुनना मेरे से फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि आखिर ये ए एस फोर होता क्या एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं ठीक है भाई साहब एक एक लड़का था कुछ भी नाम दे दो उसका जो भी आपको नाम देना है आ, से फॉर एग्जाम्पल रामलाल अब रामलाल बहुत मेहनत से सीए बना खूब मेहनत करी उसने सीए बनने के लिए तब जाकर वो बहुत मेहनत करने के बाद ये अपना रामलाल है ये इसने खूब सारी मेहनत करी पांच साल तक तब जाके ये बेचारा सीए बना पांच साल बाद जाके ये सीए रामलाल बना सुन रहे हो आप मेरी बात को चलो तो पांच साल बाद ये क्या बन गया सीए रामलाल सीए कर लिया सीए कर लिया तो इसके घर वालों ने इसको बोला कि यार एक काम करो अब सीए तो तुमने कर ही लिया है शादी आदि कर लो तो रामलाल ने बोला इसीलिए तो सीए किया की तो है शादी तो ही करनी है कब से मैं तो सोच रहा था आप लोग बोल ही नहीं रहे थे मैं तो पहले ही कर लेता तो घर वालों ने बोला नहीं नहीं अब तुम्हारी शादी करा देते हैं अब तुम्हारी उम्र हो गई है तो ये वो रामलाल है बेचारा जिसकी बचपन की ख्वाहिश थी इसका एक ही सपना था कि मैं बड़े होकर शादी करूं सुन रहे हो ऐसे होंगे अपने लड़कों में बहुत सारे ऐसे रामलाल होंगे जिनका यही एक सपना होगा कि बस बड़े होके शादी करना है करोड़पति बने ना बने किसी का पति तो बनना ही है तो वो वो रिलेट कर पाएंगे इस से जो लोग वो वाले हैं रामलाल वाले लोग हैं अब जो नहीं है वो भी रिलेट कर पाएंगे अगेन अगर मैंने बोला कि जो रामलाल टाइप लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे इसका ये मतलब नहीं है कि जो रामलाल नहीं है वो रिलेट नहीं कर पाएंगे कृपया में जो बोल रहा हूं उसका वही मतलब निकालें सो अब क्वेश्चन उठता है कि यार ये रामलाल जो है अब इसकी शादी के लिए घर वाले गए लड़की देखने के लिए ध्यान से देखियो पूरा समझना स्टोरी बस बैठ गई ना बस मेरे को स्टोरी बिठाना है दिमाग में मेरे को कुछ पढ़ाना ही नहीं, नहीं है स्टोरी बिठाना है बस आपके दिमाग में तो भैया रामलाल मिला किससे मिला रामलाल को एक बंदी से मिलाया भैया रामलाल को एक, ये एक बंदी से मिलाया कुछ भी इसका नाम ले इसको इसको अपन नाम दे देते हैं लाली चलो तो रामलाल की जो शादी है वो लाली से दोनों पहले मिले मिले तो दोनों ने बातचीत करी भाई साहब दोनों के घर वाले कैसे मिलाते अरेंज मैरिज है भाई अरेंज मैरिज है तुम्हारे जैसे नहीं तो अरेंज मैरिज है रामलाल इज अ गुड गाय मतलब सब जो लव मैरिज करते थे यार बैठ मैंने ऐसा कब बोला यार अगर मैं बोल रहा हूं रामलाल इज अ गुड गाय डज इट मीन कि जो रामलाल नहीं कर रहा है वो बाकी कर रहे हैं तो वो बैड गाय हो जाएंगे मेरी बात का दूसरा मतलब क्यों निकालते हो यार मेरे को समझ में ही नहीं आता है मैंने ऐसा कहा बोला कि जो लव मैरिज करते हैं वो बेकार लोग हैं मैंने तो ये बोला कि इज अ गुड इज डूइंग अरेंज मैरिज फिर आपने दूसरा मतलब निकाल लिया को समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं आप हर बात का तो दूसरा मतलब निकाल लेते हो तो रामलाल जो है लाली से बातचीत करी दोनों ने काफी देर तक बातचीत करी लगभग दो तीन घंटे तक इन लोगों ने बातचीत करी वो छत पे नहीं भेज देते जाओ बातचीत कर लो छत पे बैठ के तो वो छत पे दोनों गए छत पे खड़े होके बातचीत करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे दो तीन घंटे तक दोनों ने बातचीत करी बातचीत करने के बाद रामलाल जो है नीचे आया और नीचे आके अपने पेरेंट्स से बोलता है यही है राइट चॉइस बेबी पापा मम्मी जय चलेगी अपने को जय ये तुम्हारी होने वाली बहू तो रामलाल ने बोला कि मेरे को तो लड़की पसंद है तो रामलाल के जो मम्मी पापा थे उनने बोला सब लाली जो है हमारे लाल को पसंद है तो आप बताओ तो लाली ने भी बोल दिया हम मुझे भी अच्छा लग रहा है तो रामलाल को लाली पसंद आ गई लाली को रामलाल पसंद आ गया दोनों के पेरेंट्स ने जो है दो इधर दोनों के पेरेंट्स ने उनकी शादी करा दी यहां पर उनकी शादी हो गई इस मोमेंट में ये लो ये रामलाल ये लाली ये दोनों की शादी हो गई इस मोमेंट पे सुन रहे हो आप मेरी बात को यहां पर उनका एंगेजमेंट या जो भी बोलते हैं बुकिंग बुकिंग क्या बोलते हैं यार उसे यहाँ पर बुकिंग हुआ था और तो यहां पर उनका शादी हो गया मैरिज अब सर उसे बुकिंग थोड़ी ना बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको वो बुक कर देते हैं जो जैसे कि वो कर देते हैं ना क्या करते हैं वो मेरे को याद नहीं आ रहा है अबे वेन्यू नहीं बे अबे इंगेजमेंट नहीं अरे इंगेजमेंट में तो अंगूठी वंगूठी पहनाते हैं वो पहले नहीं कर देते रोका ये देखो प्रियांशु ढोंगरे यही है रामलाल मेरे को याद था मैं तो बस देख रहा था कितने रामलाल बैठे हैं ये तुरंत याद आया रोका वो यहां पर उनका रोका हो गया था रोका जिसे तुम बुकिंग मैंने लिख दिया था और यहां पर भाई साहब उनकी शादी हो गई समझना जरा ध्यान से अरे अदिति मुंह दिखाई नहीं बोलते उसको मुंह दिखाई मुंह दिखाई नहीं बोलते उसको शादी से पहले कौन सी मुंह दिखाई शादी से पहले मुंह दिखाई होगी तो फिर छोड़ो आगे बढ़ते फिर तुम दूसरा मीनिंग निकाल लो रोका क्या होता है रोका ये होता है कि हमने रोक लिया अब ये बंदी को कोई और नहीं देखेगा मतलब शादी जब तय हो जाती है आपस में एक दो दोनों फैमिलीज आपस में तय कर लेते हैं एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि बॉस अब जो है आपकी बंदी हमारे बंदे से शादी करेगी बस बात खत्म अपना आप कहीं और कोई लड़का देखना ना हम कहीं और कोई लड़की देखेंगे उसको बोलते रोका बुकिंग टोकन अमाउंट देके बुक कर लेना सुन रहे हो आप मेरी बात जैसे प्लॉट में होता है ना पसंद आ गया प्लॉट तो आपने ग्यारह हज़ार या इक्कीस हज़ार या इक्यावन हज़ार रुपये दे के आपने प्लॉट बुक कर लिया भाई साहब वैसे ही होता है यहाँ पे भी भाई साहब बुकिंग हो जाती है सुन रहे हो आप मेरी बात को वो लड़का बुक कर लेते हैं ये लड़की बुक कर लेते हैं नो no पार्शलिटी ऐसा नहीं कि लड़की की बुकिंग हो रही कोई सोचे सर लड़की की बुकिंग के लिए बोल रहे हैं नहीं नहीं दोनों एक दूसरे को बुक कर लेते हैं बेटा वो लड़की वाले लड़के की जेब में कुछ पैसे रख देते हैं। बोलते हैं आज से ये माल हमारा और लड़के वाले लड़की की जेब में पैसा रख देते हैं लड़की वालों को दे देते हैं कि भाई साहब आज से आपकी जो जो भी है ये क्या नाम है इनका ये हमारी लाली सुन रहे हो आप मेरी बात को हाँ तो ये पूरा का पूरा खेल हो गया यहाँ तक अब भाई साहब इनकी यहाँ पर शादी हो रही थी ये है शादी लाली और रामलाल की यहाँ पे क्या हो रही है शादी अब शादी में पहला फेरा दूसरा फेरा तीसरा फेरा चौथा फेरा पांचवा फेरा छठवा फेरा और ये सातवा फेरा खत्म सातों फेरे हो गए हो गए सातों फेरों ने क्या रामलाल ने क्या करा लाली की मांग ने सिंदूर भर दी अब सिंदूर कैसे भरू मैं लो ये लाली की मांग भर दी रामलाल ने सुन रहे हो आप मेरी बात को अब बोलो लाली ऑफिशियली किसकी वाइफ हो गई रामलाल की सुन रहे हो आप मेरी बात को लाली ऑफिशियली रामलाल की वाइफ हो गई और यहीं पर स्टेज पे वहां रामलाल ने सिंदूर भरा यहां पंडित ने बोला मुबारक हो आज से आप दोनों पति पत्नी हुए और लाली बेहोश हो गई लाली बेहोश भाई साहब बेहोश अब जैसी बेहोश हुई तो रामलाल उसको लेके फट से भागा। डॉक्टर क्या तो सीधे यहां से वो कहां पहुंचे बेटा डॉक्टर क्या पूरी स्टोरी समझना ध्यान से सीधे यहां से वो हॉस्पिटल एम्बुलेंस आ रहा है और वो पहुंचे डॉक्टर गया हॉस्पिटल हॉस्पिटल का साइन ऐसे ही होता है ना हा प्लस बना रहता है ना हॉस्पिटल सर कब्रिस्तान में भी प्लस बना रहता है अभी उसमें टाइम है अभी यही देखो तो वो सीधे कहां पहुंचे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में उनने लाली को एडमिट किया अब भाई साहब वो बेहोश थी अब यहां से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है पूरा ए एस फोर चल रहा है ये जिससे लग रहा हो कि सर टाइम पास कर रहे हैं आखिरी में पूरा ए एस फोर निकलने वाला है इस स्टोरी से इसके बाद जिंदगी में कभी एस फोर नहीं भूलोगे मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ये रामलाल था बेचारे ने पाँच साल मेहनत करके सीए बना सीए बनने के बाद इसका जो बचपन का सपना था वो पूरा करने के लिए उसने अपने माँ बाप से बोला कि शादी करा दो ये लोग लाली से मिले लाली और रामलाल की तीन घंटे तक बात हुई बात होने के बाद दोनों का फाइनली रोका हो गया रोका होने के बाद इस डेट पे दोनों की शादी हो रही थी शादी भी पूरी हो गई सातों फेरे ले लिए रामलाल ने लाली की मांग में सिंदूर भर दिया और जैसे ही उसने सिंदूर भरा और पंडित ने बोला मुबारक हो आप पति पत्नी हो और लाली वहीं बेहोश हो गई बेहोश हो गई तो पानी वानी छिड़क के देखा वो होश में ही नहीं आई तो होश में नहीं आई तो उसको फटाफट कहाँ लेके गए डॉक्टर क्या और वहां पे उसको हॉस्पिटल में क्या करा एडमिट कर दिया हॉस्पिटल अब भाई साहब जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया अरे भाई साहब समझ में आ रहा है बहुत सस्पेंस वाली स्टोरी है आगे भूल जाओगे सब भूल जाओगे अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहे बच्चों अच्छा मैं तुम्हारे मैसेज ही नहीं पढ़ पा रहा था सॉरी अब पढ़ पाऊंगा आ रहा आ रहा है हाँ ये लगे चल ले दो सर स्टोरी सही जा रही है चल ले दो तो भाई साहब जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई बंदी तो डॉक्टर्स ने सिटी स्कैन वगैरह करके देखा सब कुछ और जब सिटी स्कैन हुआ उसका और एमआरआई स्कैन जब हुआ उसका तो मालूम चला कि जो लाली है लाली इसको तो ब्रेन ट्यूमर है क्या है इसको ब्रेन ट्यूमर है ओ भाई साहब और ये तो कुछ दिनों की मेहमान है मतलब डॉक्टर ने रामलाल को बोला कि भाई साहब यहाँ तो बहुत ज्यादा डेंजर है ये लाली तो कुछ ही दिन की मेहमान है ये निपट जाएगी इसको भाई साहब ब्रेन ट्यूमर है और लास्ट स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है कोई नहीं बचा सकता इसे थोड़े दिन की मेहमान है अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर रामलाल ने जब ये सुना होएगा एक बार सब लड़के लड़कियाँ लड़कियाँ भी जरा रामलाल बन के सोचो लड़कियाँ लाली मत बनना रामलाल बनके बन के ही सोचो सोचो इस बेचारे पे क्या गुजर रही होगी सोचो कहाँ से कहानी शुरू हुई थी बेचारे ने सी ए किया इत अरमानों से उसने शादी करी शादी करने के बाद क्या हो रहा है उसके साथ में तो उसकी जो बीबी है लाली लाली ये लाली लाली का तो ऐसा वाला हेड था ना सॉरी ये जो उसकी वाइफ है लाली लाली शादी के मंडप पे ही बेहोश हो गई भाई साहब एकदम डिफेक्टिव आइटम निकला है तो। कैसा फील आएगा रामलाल को बोलो रामलाल बनके सोचो अगर ये तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम्हें कैसा फील होएगा सोचो ये पूरी स्टोरी तुम्हारे सामने है। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए हाउ डू यू फील कैसा फील करोगे हाउ फील सर दिल टूट जाएगा सर और मैं मैं सुनना चाहता हूं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपको कैसा लगेगा ऐसा होगा तो ये साला विकर्श बोल रहा है सेल्स रिटर्न विकर्श शर्मनी आती नैरो माइंडेड पर्सन आर दे कॉमोडिटी जो तुम उन्हें रिटर्न करोगे विकर्श ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे नहीं तो लोग सोचेंगे कि वैसे बात तुमने सही बोली है पर सेल्स तुमने चलो सेल्स रिटर्न विकर्श बोल रहे सेल्स रिटर्न तो उसके पापा ने बोला भाई साहब बिका हुआ माल वापस नहीं होएगा एक बार बेचने के बाद माल वापस नहीं होगा ना ही बदला जाएगा पल भर का क्या क्या क्या, क्या बोल रहे हैं। वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए शादी में बहुत खर्चा हुआ होगा सपना टूटा है अच्छा ऐसे गाना आ रहा के याद सपना टूटा है तो दिल कहीं जलता है सर दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा जिंदगी खराब सेल्स रिटर्न हो चुका है सर बहुत बुरा बेचारा बेचारे के अरमान चूर चूर हो गए हाँ बिल्कुल ठीक बात है अब यहां पर ना आप सब लोग जो बोल रहे हो ना वो सब आप इमोशनल बातें बोल रहे हो प्रैक्टिकली अगर रामलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो रामलाल बोलेगा यार ये मेरे साथ हो क्या गया मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी साली क्यों शादी में मैंने इतना खर्चा किया इतने अरमानों से शादी की बचपन का मेरा सपना था कि बड़े होके शादी करना है और इससे मेरी शादी हो गई भाई साहब डॉक्टर कह रहे हैं घर तक ले जाओ देख लो भाई साहब कितने दिन चलेगी पता नहीं ये क्या बात हो गई तो हमको तो एकदम ही डिफेक्टिव माल पकड़ा दिया भाई साहब ये क्या हो गया हमारे साथ उसे चीटेड फील होगा सबसे बड़ा जो फील आएगा ना जो आप में से एक ने भी आंसर नहीं दिया जो सबसे बड़ा इमोशन आएगा ना रामलाल के अंदर वो इमोशन आएगा चीटिंग रामलाल को फील होएगा कि आई चीटेड क्यों चीटिंग फील आएगा सर अरे यार क्या ब्रेन ट्यूमर एक दिन में डेवलप हो जाता है क्या हाँ लाली बोले कि यार ये ब्रेन ट्यूमर रामलाल को क्या फील होगा भाई कुछ गलत हुआ है मेरे साथ ये साले लाली और उसके घर वालों ने मिलकर मेरे साथ चीटिंग किया है सुन रहे हो आप मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं रामलाल विल फील चीटेड देन अगर आप रामलाल की जगह हो या मैं रामलाल की जगह हूं तो वैसे मैं तो रामलाल की जगह नहीं हूं मेरे को तो सही Uh, सामान घर आया है मेरे तो पर मान लो कि अगर आप रामलाल की जगह हो या मैं रामलाल की जगह हूं तो क्या होगा भाई साहब मैं सीधे जाऊंगा लाली के पास सीधे जाऊंगा लाली के पास ध्यान से पूरा ए एस फोर इसी पर डिपेंड है कि आप इस स्टोरी को कितना अच्छा एनालाइज कर पाओगे और मैं सीधे जाकर लाली से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके बेसिस पे तय होगा कि मेरे से मेरे साथ चीटिंग हुआ है कि नहीं बहुत ध्यान से सुनना बच्चों नहीं लाली अभी मर थोड़ ना गई है कुछ दिन की मेहमान है अरे आदि तुमने खत्म ही कर दिया खूनी अभी वो कुछ दिन की मेहमान है अभी नहीं मरी है वो डॉक्टर ने बोला है, मरने वाली है ब्रेन ट्यूमर है अभी मरी नहीं है वो तो अब जब मैं लाली के पास गया मैं मतलब राम लाली देखो हर्षित भट्ट कह रहा मार दो और मजा आएगा हर्षित ये किसी डॉक्टर को दिखाओ बेटा अगर ऐसी चीज़ें मन में आती है ना मार दो मज़ा आएगा तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर अच्छी चीज़ नहीं है ये आगे बढ़ रहा हूँ ऐसे मज़ा तो आएगा लेकिन ऐसे बोल नहीं सकते आगे आगे बढ़ रहा हूँ चलिए तो अच्छा मैं देख रहा हूँ कि एक भी एक भी लड़की ने कोई कमेंट नहीं कर रखा है सिर्फ लड़के कमेंट कर रहे हैं अच्छा लड़कियाँ फ़ील नहीं कर पा रही होंगी ना लाली को तो लड़के ही फील कर पाएंगे बेचारे कि हाँ भाई साहब हमारी बीबी मर गई तो लड़कियों को फील ही नहीं आ रहा होगा सही है भैया सही है तो तो भाई साहब अब क्वेश्चन उठता है कि रामलाल जाएगा सीधे लाली के पास और लाली से जाके कुछ क्वेश्चंस पूछेगा बच्चे क्या क्वेश्चंस पूछेगा सर वो लाली से जाके अब ध्यान से देखना क्वेश्चंस की लिस्ट नंबर वन पहला ही क्वेश्चन बताओ उसका क्या होना चाहिए आप अगर रामलाल की जगह हो तो आपका लाली से फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बींग राम लाल वॉट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी सी योर कॉमन सेंस लेवल आई एम आस्किंग अ सिंपल थिंग व्हाट विल बी योर कॉमन वॉट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्यूमर अभी आया है या पुराना है भाई साहब वो ट्यूमर है फुंसी नहीं है जो अभी आई है कि पुरानी वो पिंपल थोड़ी ना है अभी आया है कि पुराना है कितने साल से बीमार हो क्या तुम्हें यह पहले से पता था मुझे क्यों नहीं बताया क्या आपको पहले से पता था कि आपको ब्रेन ट्यूमर था ओके okay. मतलब मैक्सिमम लोग जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर हमारा क्वेश्चन होगा कि क्या तुमको इस ब्रेन ट्यूमर के बारे में पहले से पता था या उससे भी थोड़ा आगे अपन सीधा सीधा बोलेंगे हमको क्यों नहीं बताया हमारा पहला क्वेश्चन होगा हमको क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है पहला क्वेश्चन यही होगा हमको क्यों नहीं बताया जब आप यह पूछोगे तो ऑब्वियसली एक सिंपल सा आंसर उसकी तरफ से आएगा दो आंसर आ सकते हैं जब तुम पूछोगे हमको क्यों नहीं बताया तुमने एक आंसर आ सकता है कि मुझे खुद नहीं पता था मुझे भी नहीं पता था ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं एक आंसर तो यह सकता है कि मुझे भी नहीं पता था और एक आंसर क्या हो सकता है मम्मी पापा ने मना करा था हाँ बहुत बढ़िया मतलब एक आंसर हो सकता है कि नहीं बताया साइलेंस साइलेंस चुप हो जाए वो या बहाने एक्सक्यूज देने लग जाए दूसरा ही हो सकता है जब हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे लाली से हमको क्यों नहीं बताया तुमने कि तुमको ब्रेन ट्यूमर है लाली हमारी तो तुमने जिंदगी बदल डाली तो उसका आंसर होएगा कि भाई साहब दो में से एक आंसर करेगी वो या तो वो बोलेगी मुझे भी नहीं पता था मुझे भी अभी पता चल रहा है आपके साथ ही और या तो फिर वो कोई एक्सक्यूज देगी बहाने देगी इस केस में तो लाली फ्रॉड है कोई क्वेश्चन ही नहीं है लाली इज इक्वल्स टू फ्रॉड क्या इस केस में लाली फ्रॉड है अगर वो बोल रही है मुझे खुद नहीं पता था पहले से क्या इस केस में लाली फ्रॉड है क्वेश्चन सेकेंड वाले केस में तो वो फ्रॉड है एक्सक्यूज देने लगी आ, म, 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 हम बताना भूल गए मतलब तेरे को पहले से मालूम था तूने मुझे नहीं बताया अब इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता तू फ्रॉड है और तेरे पापा भी और तेरी मम्मी भी और तेरे पूरे घर वाले सब फ्रॉड है साले इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता बॉस तेरे को पहले से पता था तूने नहीं बताया अब तू बहाने मार रही है मेरी जिंदगी खराब करके मर जल्दी इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता लेकिन फर्स्ट वाले केस में अगर वो बोले यार मुझे खुद नहीं पता था मुझे ब्रेन ट्यूमर है अब वो अगर ये बोल रही है तो मैं तो फिर क्या करोगे बोलो पहले केस में अगर वो बोल रही है कि मुझे नहीं पता था मुझे ब्रेन ट्यूमर है क्या करोगे बोलो सर कुछ नहीं सर लकड़ियां खरीदेंगे और इंतजार करेंगे कब जलाना है इस केस में अगर उसने बोला है कि मुझे खुद भी नहीं पता था तो बेटा इस केस में आप सीधे बच्चों के आंसर आने लगे कुछ बच्चे लिख रहे हैं हाँ सर अब उसको भी नहीं पता तो क्या करें कुछ लिख रहे हैं मौत का इंतजार करेंगे कुछ लिख रहे हैं उसके पेरेंट्स के पास जाएंगे और एक ये हर्षित ये तो बहुत ही खराब आदमी है यार हर्षित मेरे को लगता था मैं ही हूं पर तू भी है तो हर्षित लिख रहा है सर हम देखेंगे उसके परिवार में कौन कौन है क्या उसकी जगह उसकी सिस्टर विस्टर से शादी हो सकती है हम थोड़ा समझेंगे सर शर्म आनी चाहिए तुम्हें तुम्हारी बीबी मर रही है और तुमको बस ये देखो कैसे लोग हैं अब क्या करेंगे भाई तो कोई लिख रहा है उसको एम्स ले जाएंगे बहुत बढ़िया बेटा एम्स में ही है वो अभी वहीं भर्ती है वही लेके गए थे तुम जब वो बेहोश हुई थी देखो भूल गए तुम हॉस्पिटल में ही है वो और कहा ले जाओगे अब तो भाई साहब अगर उसने ये बोला भी ना अब सुनो ध्यान से अब सुनो ध्यान से अगर उसने ये बोला भी ना कि मुझे भी नहीं पता था तो भाई मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है ऐसे थोड़ा मैं उसकी बात पे भरोसा कर लूंगा कि तूने बोल दिया मुझे भी नहीं पता था तो मैं मान लू तुझे भी नहीं पता था तो पता है फिर मैं क्या करूंगा आई आईल इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेशन कैसे होएगा अब जरा ध्यान देना बच्चों हाँ तो मैं उससे पूछूंगा चल ठीक है ये तो मैं मान सकता हूं तुझे भी नहीं पता था चल ठीक है मान लिया मान लिया लाली तेरे को नहीं पता था कि तू मरने वाली ठीक है मान लिया मेरे को एक बात का बस जवाब दे तेरे सर के अंदर इतना बड़ा ट्यूमर है डॉक्टर ने बोला है वो बम जैसे बम का गोला सर के अंदर होता है तेरे को कभी सिम्टम्स नहीं आते थे सिम्टम्स समझते हो ना बच्चों तो तेरे को कभी सिम्टम्स नहीं आते थे क्या कैसे सिम्टम्स सर तेरा बहुत दुखता हो ऐसे तू पहले भी कई बार हो सकता है बेहोश हुई हो कहीं स्कूल में कॉलेज में हर कहीं बेहोश हो जाती हो सर भी तेरा हर कभी दुखने लगता हो हर कभी चक्कर आ जाते हो हर कभी उल्टी आ जाती हो ये सारे सिम्टम्स होते ना कि कुछ प्रॉब्लम है तो तेरे को ऐसे कोई सिम्टम नहीं थे तो वो बोलेगी हाँ ऐसा तो मेरे साथ होता था बहुत बार मेरा हर कभी सर आने लगता था हर कभी सर दुखने लगता था कभी भी चक्कर आ जाते थे तो मेरी मां अब क्या ट्यूमर बाहर आके बोलता बहन में अंदर बैठा हूं जब तेरे को ये सारे सिम्टम्स थे तो दिखाया क्यों नहीं क्या इंतजार कर रहा था कि तेरे पापा की भैया शादी होगी रामलाली दिखाएगा जाके अगर तेरे को सिम्टम्स थे पहले से तो भी बॉस तू फ्रॉड है ये क्यों नहीं बताया सिम्टम्स है सिम्टम्स ही बता देती सिम्टम्स बता देती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बात ये देखना ये इसलिए मैंने बनाया देख, देख ये देख ये देख लाली को ऐसे बाल पकड़ के ऐसे ये देख ये देख, ये देख याद कर अपना पास छत पे खड़े होके अपन तीन घंटे बातें करे थे कितने घंटे लाली तीन घंटे घंटे तो में तेरा मुंह नहीं खोलो कि हर कभी तू बेहोश हो जाती है हर कभी तेरे को चक्कर आ जाते हैं हर कभी तेरा सर्द उतरद ये क्यों नहीं बताया उस तीन घंटे में तो अगर वो बोले कि सिम्टम्स तो पहले से थे तो भाई साहब अब और क्या हो सकता है जब सिम्टम्स पहले से थे तो तो फिर भी आप फ्रॉड ही हो हाँ अगर लाली ये बोलेगी भाई साहब मुझे आज तक कुछ हुआ ही नहीं ना चक्कर आए ना सर झुका आप तो पता कर लो वो तो जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो ये स्टेज से मंडप से पे मेरे दिल की जो रखे तूने अपने मनहूस कदम तो सीधे मैं यहां पहुंच गई तू ही मनु से साले रामलाल तेरी वजह से यहां आ गई आज तक कुछ नहीं हुआ था मुझे मतलब नो no सिम्टम्स कभी इस चीज के कोई सिम्टम्स भी नहीं आए इस केस में लेकिन फिर वो फ्रॉड नहीं है यहां जाकर आप उसे बोल सकते हो कि तुम इनोसेंट हो ठीक है मैं तुम्हारी चिता को आग देने को तैयार हूं जब भी तुम मरोगी एंड बी क्विक प्लीज मेरे को कुछ और भी फिर देखना पड़ेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट अब ये पूरी जो स्टोरी आपने लाली की सुनी है ना बेटा ये ए एस फोर है अब पूरी स्टोरी को देखो कहाँ से शुरू हुई थी रामलाल मेहनत से सीए बना ध्यान से देखो रामलाल मेहनत से सीए बना सीए बनने के बाद मिला लाली से घर वालों के उससे दोनों ने तीन घंटे बातचीत करी उसके बाद बुकिंग हुई बुकिंग के बाद शादी हुई शादी के फेरे हुए सिंदूर भरा और उसके जस्ट बाद लाली बेहोश हुई और बेहोश हुई तो उसे कहाँ एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में जब सी स्कैन और एमआरआई हुआ तो मालूम चला लाली को क्या है ब्रेन ट्यूमर है ब्रेन में बम का गोला है और फिर जब ये सब हुआ तो रामलाल को फील हुआ कि भाई मेरे साथ तो बहुत बड़ा चोट कर दिया यार भाई ये क्या बात होती है यार मेरे तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए तो फिर रामलाल सीधे लाली के पास गया और रामलाल ने लाली से पूछा हमको ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है अब लाली के जवाब पर सब कुछ डिपेंड करता है कि लाली फ्रॉड है कि लाली इनोसेंट है इसमें दो ही जवाब लाली के पॉसिबल है पहला जवाब लाली बोल सकती है कि मुझे भी नहीं पता था और दूसरा जवाब लाली एक्सक्यूज देने लगे घुमाने फिराने लगे इधर उधर की बातें करने लगे तो अगर दूसरा आंसर दे रही है वो तो फिर तो वो फ्रॉड है बात ही खत्म हो गई छोड़ छोड़ा उसे वहीं मरता हुआ हमें नहीं रहना ऐसी लाली के साथ डॉक्टर से बोलना ये मरे तो यहीं जला देना चीट किया इसने हमारे साथ सर आप बहुत क्रूअल बात कर रहे हो अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार मत जलाना डॉक्टर्स कहना बस एक्सपेरिमेंट के लिए रख लेना उसकी लाश वो डेड बॉडीज चाहिए पड़ती है ना मेडिकल स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए वही छोड़ाना लेकिन रखना नहीं छोड़ाना वही चीटर है और यहां पर फर्स्ट केस में अगर वो बोले कि मुझे भी नहीं पता था तो बाबू रामू ऐसे उसकी बातों में नहीं आना इन्वेस्टिगेट करो उससे पूछो तेरे को नहीं पता था नहीं पता था पहले कोई सिम्टम्स आते थे अगर वो बोले हां सर दुखता था चक्कर आ जाते थे हर कभी तो बाबू अब क्या ट्यूमर बाहर आके बोलता मैं दीदी अंदर बैठा हूं ऐसे तो नहीं होगा ना इसका मतलब तुम अभी भी फ्रॉड हो क्योंकि तुम सिम्टम्स थे तो सिम्टम्स तो मुझे बता सकती थी ना व्हेन वी वर टॉकिंग हमारी शादी तुरंत तो हो नहीं गई हमने पहले इतनी देर बात की फिर रोका हुआ फिर उसके बाद भी इतना टाइम गुजरा तब जाके शादी हुई है तो भी वो फ्रॉड है हां अगर वो बोले कि मेरे को आज तक कुछ हुआ ही नहीं है जिंदगी में पहली बार चक्कर आया है और चक्कर आते ही डिटेक्ट हो रहा है और डॉक्टर भी बोले किसी केस में ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल अगर डॉक्टर भी ऐसा बोल दे तो फिर उस केस में जरूर तुमको ये मानना पड़ेगा कि भाई शी इज इनोसेंट सर ये पूरी स्टोरी क्या है अब सुनो मेरी बात यहां जो रामलाल है ना रामलाल वो तुम हो तुम मतलब कौन तुम मतलब कंपनी के इन्वेस्टर ध्यान से देखना मेरी स्टोरी तुम मतलब कौन कंपनी के इन्वेस्टर और कौन कंपनी के शेयर होल्डर और कौन कंपनी के लैंडर जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है ये तुम हो जिन्होंने कंपनी को पैसा लगा रखा है कंपनी में चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो लैंडर हो, हो ये तुम हो पोटेंशियल इन्वेस्टर भी हो सकते हो मतलब कंपनी में पैसा लगाने का सोच रहे हो यह तुम हो क्रेडिटर भी हो सकते हो वो सब जिनने कंपनी में अपना कुछ ना कुछ दाव पे लगा रखा है ये लाली वो कंपनी है लाली कौन है कंपनी जिसमें तुमने सब कुछ दाव पे लगा रखा है और तुम्हें सब कुछ दाव पे लगाने के बाद यह मालूम चले कि इस कंपनी में तो कोई बहुत बड़ा स्कैम है और यह तुम्हें मालूम चले कब जब तुमने पैसा लगा दिया उसके बाद जब बैंक ने लोन दे दिया उसके बाद जब शेयर होल्डर ने शेयर खरीद लिया उसके बाद उसके क्रेडिटर ने जब माल उधार दे दिया उसके बाद उन्हें यह मालूम चले कि कंपनी में बहुत बड़ा स्कैम है अब उन्हें कैसा फील होगा चीटेड फील होगा कि हमारे साथ गड़बड़ हुआ है समझो जैसे रामलाल ने पांच साल मेहनत करके सीए बना था और उसके बाद जाके वो शादी कर रहा था ऐसी लोग मेहनत बरसों बरसों की कमाई जो होती है वो कंपनी के शेयर्स में लगा देते हैं सो डेट उनका पैसा ग्रो करे अपनी मेहनत की गाड़ी मेहनत की कमाई लगा देते हैं बैंक लोन देता है अभी माल्या टाइप कोई हो माल लिया और भाग गया विजय माल्या उसका तो सरनेम ही हिंट था माल्या माल्या भाग जा तो ऐसा कोई आदमी आए माल ले और भाग जाए तो क्रेडिटर्स ने भी अपनी कितनी मेहनत का पैसा उनमें लगा रखा है माल दे रखा है बैंक ने अपनी लोन दे रखे हैं पब्लिक ने शेयर होल्डर्स ने अपनी मेहनत की कमाई उस कंपनी में लगा दी और बाद में जाकर जब वो लगा रहे थे उस समय उन्होंने पूरा स्टडी किया होगा जैसे रामलाल ने तीन घंटे तक बात की थी लाली से तीन घंटे तक छत पे खड़े होकर बात की थी वैसे इनने भी बात की होगी और जब पूरी बात कर ली होगी उसके बाद मतलब जब कंपनी के बारे में सब पढ़ लिया होगा उसके बाद ही उन्होंने पैसा लगाया होगा कंपनी को पैसा उधार दिया होगा कंपनी को माल उधार दिया होगा और उधार देने के बाद उनको पता चले कि कंपनी में कोई बहुत बड़ा स्कैम है क्यों सत्यम घोटाला हुआ था ना सत्यम जब कंपनी थी उसके साथ में कितना बड़ा घोटाला हुआ था ऐसी तो घोटाले होते हैं तो फिर मुझे बताओ तुम पर तुम मतलब रामलाल मतलब इन्वेस्टर शेयर होल्डर क्रेडिटर लैंडर बोलो उस पर क्या गुजरेगी ही विल फील चीटेड और बेटा देखो मेरी बात सुनो लाली जाए तो दूसरी लाली फिर भी आ सकती है पैसा जाए तो बड़ा दर्द होता है पैसा जाए तो किसी की मेहनत की कमाई छीन लो यार डूब जाए कितना दर्द होता है तुम्हारे सौ रुपए भी रोड पे गिर जाते तो कैसा लगता है सर रात भर नींद नहीं आती तो सोचो जिनकी जिंदगी भर की कमाई उस कंपनी में लगी हो और वो डूब जाए फिर तो उस केस में ये पूरा सीन कंपनी के केस में पॉसिबल है कि नहीं जो रामलाल और लाली का केस है वो तुम्हारे साथ हो सकता है तुम्हारे पैसे के साथ ऐसा हो सकता है कि तुम किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा दो कि लग जाए तुम्हारी बैंक के साथ हो सकता है क्रेडिटर के साथ हो सकता है सबके साथ ऐसा केस हो सकता है तो इससे रोकने के लिए हमारे आईसीए ने एक ए बनाया है एस फोर जो इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए टूल है सारी चीजें नहीं लेकिन देखो ऐसा नहीं होता कि आपने कोई सिक्योरिटी सिस्टम बना दिया तो अब चोरी हो ही नहीं सकती लेकिन जितना पॉसिबल है उतना हमें फिर भी सिक्योरिटी तो रखनी ही पड़ेगी तो एक एस फोर बना जो इस तरीके के स्कैम्स को रोकेगा जो इन्वेस्टर्स को क्रेडिटर्स को लैंडर्स को शेयर होल्डर्स को कंपनी से एक ट्रांसपेरेंसी दिलवाएगा कैसे यह जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड दैट्स इट फॉर टुडे टाडा बाय बाय सी यू टुमारो आज मैंने आपको सिर्फ ए एस फोर क्यों बना है एक स्टोरी के थ्रू वो समझाया है कि ए एस फोर क्यों बना है अब वो कैसे आगे कैसे प्रोटेक्ट करेगा इन चीजों से शेयर होल्डर्स को लाली जैसी फ्रॉड लड़कियों से रामलाल जैसे इनोसेंट लड़कों को ए एस फोर कैसे बचाएगा ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड चलिए चलिए सो सी यू ऑल टाटा बाय बाय इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया